देश के सेवन सिस्टर्स में गिने जाने वाला राज्य मणिपुर में आधे से ज्यादा वोटों की गिनती हो गई है। मौजूदा सीएम और भाजपा विधायक एन बीरेन सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने 17,000 वोटों से कांग्रेस के पी शरद चंद्र सिंह को हरा दिया है। इसके बाद सीएम बीरेन सिंह इम्फाल के गोविंदा जी मंदिर पहुंचे, यहां सीएम ने प्रार्थना भी की। गॉड इज एवरीथिंग, ये संसार जो है भगवान की दया से हम लोग सब जी रहे हैं। तो आज मणिपुर का आने वाले 25 साल का विधाता आज खोलेंगे, तो ये हम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो आने वाले साल में मणिपुर को जैसे पहले 5 साल में जैसे शांति रहे, डेवलपमेंट रहे, सबको मिल के रहे, लोक जान को प्रोटेक्ट कर सके, इतना ही प्रार्थना हम भगवान से कर रहा हूँ कि अपने सब बहुमत से आगे बीजेपी की सरकार बने तो तब शांति रख सकेगा। चुनावी अपडेट में दोपहर 2 बजे तक भाजपा 60 में से 2 सीटें जीत चुकी थी और 26 सीटों पर आगे थी, जबकि प्रतिद्वंदी कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही थी। इसके अलावा NPP 9, NPF 3 और अन्य उम्मीदवार 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। चुनाव आयोग के नतीजों के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 42% वोट मिले हैं। ताजा नतीजों से लग रहा है कि भाजपा ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया था, हालांकि मेहनत कांग्रेस ने भी जमकर की थी। मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों के लिए 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में मतदान हुआ था। राज्य में अभी भाजपा गठबंधन की सरकार है, लिहाजा कोशिश सत्ता में अपनी मजबूती बनाए रखने की रहेगी। इसके उलट कांग्रेस भी सरकार में अपनी वापसी करना चाहेगी। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं, यहां बहुमत का जादुई आंकड़ा 31 का है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने NPP, LJP और निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बनाई थी। एन बीरेन सिंह राज्य के सीएम बने थे। हालांकि इस बार भाजपा के सामने एक चुनौती भी है। पिछले सरकार में भाजपा की सहयोगी NPP यानी कि नेशनल पीपल पार्टी उसके खिलाफ मैदान में है। ऐसे में भाजपा सत्ता बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, ये रिजल्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा। ताजा अपडेट के लिए बने रही लाइव हिंदुस्तान के साथ।